जियो फाइबर है जियो का नया मास्टर प्लान। इसमें आपको 100 Mbps स्पीड मिलने वाली है और इसकी कीमत 1000 रुपए से भी कम होने वाली है। तो दोस्तों ऑफिशियली लॉन्च करने वाला है जियो इसको। इसका जो मंथली प्लान है वो 1000 रुपए से भी कम का होगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में। तो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें, आपको अच्छा लगे तो साथ ही साथ शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस जियो फाइबर के बारे में। रिलायंस जियो अपने जियो फाइबर फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड सर्विस पर लंबे टाइम से काम कर रहा है। अपने प्रीव्यू प्लान के तहत कुछ सिलेक्टेड सिटीज में कुछ सिलेक्टेड कस्टमर को ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। जियो अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस को ऑफिशियली अभी लॉन्च करने वाला है। साथ ही बता दें कि इसका जो प्लान होगा वो 1000 से भी कम में होगा मंथली। इसमें आपको जो स्पीड मिलेगी वो 100 Mbps की फास्ट स्पीड मिलेगी कि VoIP नेटवर्क होगा। इसमें आप कॉलिंग भी मिलने वाली है, इंटरनेट भी मिलेगा, टीवी भी चलेगा, सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। साथ ही जियो फाइबर सर्विस में इंटरनेट स्पीड जो होगी वो 100 Mbps की होगी। इस साल के अंत तक इसे देश भर के कस्टमर्स के लिए उतार दिया जाएगा। जियो फाइबर के यूएस के अनलिमिटेड वॉइस कॉल और वीडियो कॉल दी जा रही है। बात करें इसके VoIP टेक्नोलॉजी की तो इसमें आपको फोन कॉल तो मिलेगी, साथ ही इंटरनेट प्रोटोकॉल मिलेगी और ये एक इंटरनेट बेस्ड कॉल है जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों IP नेटवर्क पर भेजा जाता है। और साथ ही जियो ऐप का जो सब्सक्रिप्शन है वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है अभी भी और इसमें भी आपको मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जियो फाइबर सर्विस 100 Mbps डेटा, VoIP कॉल और JioTV एप्लीकेशन एक्सेस के साथ आती है। इसका जो मंथली प्लान होने वाला है वो 1000 रुपए से कम होने वाला है। यानी कि अभी इंडिया में 1000 रुपए से कम में आपको 100 Mbps की स्पीड देखने को नहीं मिलती। अगर जियो आता है तो कमाल ही हो जाएगा। जियो की बाजार में सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी एयरटेल कंपनी है जो कि अभी आपको 300 Mbps की स्पीड दे रही है, लेकिन इसकी जो कीमत है वो 2200 रुपए से भी ज्यादा की होती है और इसमें आपको लिमिटेड डेटा मिलता है। साथ ही एक और कंपनी है जो कि 1100 रुपए में आपको 100 Mbps की स्पीड देती है, लेकिन इसमें भी आपको लिमिटेड डेटा मिलता है। लेकिन अगर जियो आता है और 1000 रुपए से भी कम कीमत में ये ब्रॉडबैंड सर्विस लेके आता है जो कि VoIP पे बेस्ड है, साथ ही इसमें आपको कॉल मिलने वाली है, इंटरनेट मिलेगा, टीवी भी चलेगा, सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है और वो भी 1000 रुपए से कम में, कमाल ही हो जाएगा। दूसरी कंपनियों के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा जियो फिर से। जो ब्रॉडबैंड सर्विस है वो 1000 रुपए से कम में आती है तो यहाँ पे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। आपको बता दें कि 1 मई को सरकार ने इंटरनेट टेलीफोनी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है और इसके तहत ब्रॉडबैंड कनेक्शन के तहत यूजर्स वॉइस कॉल भी कर सकते हैं और इसमें कोई टेलीकॉम नेटवर्क की जरूरत भी नहीं होती है। अभी बता दें आपको जियो फाइबर कहाँ चल रहा है। तो इस वक्त आप अगर अहमदाबाद में है तो वहाँ आप देख सकते होंगे, चेन्नई में है, जामनगर में है, मुंबई में है और नई दिल्ली जैसे शहरों में है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर इसका ट्रायल चल रहा है और जल्दी इसे पूरे ऑल ऑफ इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। इन शहरों में कुछ सब्सक्राइबर को 100 Mbps की स्पीड के साथ साथ अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें सिर्फ सिक्योरिटी रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ साथ ही ये कनेक्शन दिया जा रहा है। यानी कि आपको पहले 4500 का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा तभी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आप इस सर्विस को कभी भी बंद कर सकते हैं और अपने 4500 रुपए वापस ले सकते हैं। यानी कि एक तरीके से आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने को दिया जा रहा है। तो ये था दोस्तों जियो का मास्टर प्लान और अभी जियो फाइबर आने वाला है और आ जाएगा तो मार्केट में ब्रॉडबैंड सर्विस में बहुत ही धमाल हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।